फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में जो है आप मैथ का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, वो करेंगे। और क्योंकि आपको पता है एचपी बिटवारी का जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा, तो बहुत सारी सीटें निकली हैं और बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है आपके लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है मैथ में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो अब जो है मैं ये डेली वीडियो डाला करूँगी। आज का टॉपिक परसेंटेज लेके आई हूँ, साथ में हम आज एक और वीडियो देखेंगे, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें हम नंबर सिस्टम करेंगे, जैसे प्राइम नंबर क्या हुआ, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, तो वो सारा कुछ बताऊंगी और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगी। और इस वीडियो में, परसेंटेज वाली वीडियो में, आप कौन कौन से रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, वो सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर टिक करें। और फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये कंप्लेंट रहती है कि मैम आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, तो वो भी आज आप मुझे देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्काई फैमिली के नाम से जो है लिंक मिल जाएगा, तो वो आपको जो है उस वीडियो पे ले जाएगा जहाँ पे मैंने अपने बारे में बताया हुआ है। तो मैंने स्काई फैमिली नाम का चैनल बनाया है, तो उस चैनल को भी उतना ही प्यार दें जितना इसको दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम कर रहे हैं परसेंटेज की बात। तो परसेंटेज होती क्या है ये भी पता होनी चाहिए। परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड, मतलब कोई भी चीज़ आपको दे रखी है उसका सौवां भाग, उसको बोल देते हैं परसेंटेज। अब इसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या नियम हैं वो देखते हैं हम। अब मेन जो ये रूल्स हैं, नियम्स हैं, इनको आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला जो इसका रूल है, इसमें बोला गया है क्या नियम है, इफ वी हैव टू फाइंड ए परसेंट ऑफ बी, अगर आपको बोल देते हैं ए परसेंट ऑफ बी, तो आपने जो है ये कैसे ज्ञात करना है। तो आपने क्या करना है, a डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय b, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय 100। अब ये फॉर्मूला आपको पता लग गया, a परसेंट ऑफ b। अगर हम वैल्यू अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ, मान लीजिए अब मैं ये लिख रही हूँ 5% ऑफ 2, मतलब इसको a मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब भी परसेंटेज का साइन आता है डिवाइडेड बाय 100 लगा देना है आपने, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारा जो इसका आंसर होगा 10 डिवाइडेड बाय 100। ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, 5% का 2, किसी भी तरह ए परसेंट ऑफ वी, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन, जब आपने जो है प्रतिशत को जो है अंश या भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन को, उसमें जो है कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज दे रखी है और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपने जो है इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 100 से कर दे रहा है। जैसे आपको पूछा गया है 76% इंटू फ्रैक्शन, अब इसमें भिन्न में चेंज करनी है अपने प्रतिशतता, तो आपने ऑब्वियस है परसेंटेज लगी है, तो मैंने वो डिवाइड कर दिया है, 76 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करोगे 19 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। अब आपको सामने में क्वेश्चन एक सॉल्व करके बताती हूँ और एक आपको घर को देंगी, क्योंकि वो आपने सॉल्व करनी है। अब ये लिखा मैंने टू कन्वर्ट 56% इंटू फ्रैक्शन, तो ऑब्वियस है परसेंटेज मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 50 और इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके। तो आपके लिए जो है, घर के लिए जो है, क्या है आपने करना है, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो आपने ये करना है कन्वर्ट 28% इनटू फ्रैक्शन, 28% इनटू फ्रैक्शन, भिन्न में आपने ये चेंज करके देनी है, मुझे परसेंटेज कितना आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नाउ थर्ड है, जब आप जो है एक तो आपको था कि परसेंट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हम नेक्स्ट है फ्रैक्शन जो है
उसको आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, अब वो करते हैं। अब ये रूल क्या है, जब आपको जो है फ्रैक्शन दे रखा है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप कैसे चेंज करोगे, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ना कि डिवाइडेड बाय 100। तो आपने ये कन्फ्यूज़न जो है दूर करनी है कि जब आपको जो है परसेंट फ्रैक्शन में चेंज करनी है तो आपको 100 से डिवाइड करना है, और आपका आपको फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज करनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि इसमें दे रखा है। अब लिखा है कन्वर्ट 3/10 इंटू परसेंट, मतलब फ्रैक्शन दे रखा है, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, ना कि आपको डिवाइड करना है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ, कन्वर्ट 8/10 इंटू परसेंट, फ्रैक्शन इंटू परसेंट, तो ये आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, ये आ गया आपका 80%। तो इसी तरह से आपने और भी क्वेश्चन करने हैं, बस ये याद रखना है कि डिवाइडेशन के लिए क्या रूल है और मल्टीप्लाई के लिए किस में होगा और डिवाइडेशन किस में होगा। ठीक है, तो आपने जो है इसमें नेक्स्ट घर से जो करके लेके आना है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आंसर, वो है कन्वर्ट 5/10 इंटू परसेंट, दो आपको करके बताना है। अब हम करते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं परसेंटेज, ये तो बिल्कुल सिंपल वाले थे, अब हम करते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं। अब ये है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बस जैसे जैसे समझा रही हूँ वैसे वैसे आप करना है। अब कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि मान लीजिए कि ए और बी, मान लीजिए मैं किसी का नाम लेके बोल देती हूँ कि रोहन की इनकम जो है 10% ज़्यादा है सोहन से, तो आपने ये देखना है कि सोहन की इनकम कितनी कम हुई रोहन से, तो आपको उस जो क्वेश्चन हो गए उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसको आप समझ लीजिए कैसे वो लगेगा फॉर्मूला। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिखा है, यदि ए की आय, मान लीजिए नाम मैंने नहीं लिखा है, ए भी मान लिया है, ए की आय बी की आय से, मतलब जो ये ए है इसकी जो सैलरी है वो इसकी सैलरी से अधिक है, कितनी परसेंट, इतनी परसेंटेज है, या फिर इतनी परसेंटेज से कम है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो कम पूछा जा सकता है या अधिक पूछा जा सकता है। तो आपने ये बताना है कि बी की आय जो है ए की आय से कितनी परसेंट कम है, तो आपने जब जो है ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब कि ए की आय आपको जो है दे रखी है और बी की आय आपने बतानी है कि कितनी कम है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100%, या फिर क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इफ़ ए इज एक्स परसेंटेज मोर देन बी, देन बी इज लेस देन ए बाय, कि बी कितने परसेंट से कम है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपसे अगर आपको पूछा जाए ए की आय बी की आय से एक्स परसेंटेज कम है, तो आपने ये बताना है कि बी की आय कितनी अधिक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100%। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको 100% समझ आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि अब लिखा गया है अजीत इनकम इज 10% मोर देन दैट ऑफ राहुल, कि जो अजीत की जो इनकम है वो कितनी है, 10% ज़्यादा है राहुल से। ऑब्वियस है अजीत की 10% ज़्यादा है तो राहुल की आपको ज्ञात करनी है, तो आपने ये बताना है कि राहुल की कितनी कम हुई, मतलब अजीत से, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये करना है एक्स 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100%। तो कहीं आप इसमें ये ना कन्फ्यूज हो रहे हो कि अगर हम राहुल की ये ज्ञात करनी है कितनी कम है, तो आप यहाँ प्लस का साइन क्यों लगा रहे हो। अरे भाई, अजीत की जो ए की जो वैल्यू है, जो इनकम है, वो 10% ज़्यादा है, तो इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया हुआ है। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100%,
अब यहाँ पे हमें x की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, मतलब 10% दे रखा है। तो आपने 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ये सारा सॉल्व करके ये इसका आंसर आ गया। तो अगर आपने क्वेश्चन ये सॉल्व करना है तो आपको घर को देती हूँ। तो आपने जो है यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे मोर देन लिखा है, आपने लेस देन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे, लेस देन के लिए। ठीक है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उसका आंसर क्या होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इफ़ ए वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फर्स्ट, कि किसी भी चीज़ की वैल्यू पहले इंक्रीज हो जाती है फिर उसी परसेंटेज से वो डिक्रीज हो जाती है, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आपने लगाना है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 100%। आप एग्जाम्पल से समझिए इसको। अब एग्जाम्पल दे रखा है, द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 5% एंड लेटर डिक्रीज बाई 5%, बट इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर, कि पूछा है कि कंप्यूटर का पहले प्राइस इंक्रीज हो गया 5% से, फिर बाद में डिक्रीज हो गया उसी परसेंटेज से 5% से, तो कितना चेंज आया प्राइस में कंप्यूटर के। तो आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 100%, वैल्यू आपको दे रखी है 5%, 5% डिवाइडेड बाई 100। अगर आप इसको करोगे, सॉरी फॉर्मूला ये स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, तो 5 5 का 25 डिवाइडेड बाय 100, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे परसेंटेज के क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो आप इसकी जगह कोई और चीज़ भी लेके और इनकी वैल्यू जो है वो अप डाउन कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, एक क्वेश्चन छूट गया है हमारा, उसको मैं करवा देती हूँ आपको, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे करवा देती हूँ, जैसे कई बार हमें पूछ लेते हैं 5% का 8% कितने प्रतिशत है, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 5% का 8% कितने प्रतिशत है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, पहले तो इनको करिए 8%, 5%, फिर प्रतिशत हमने बाद में निकालनी है परसेंटेज। 8% हो गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 100, 5% हो गया 5 डिवाइडेड बाई 100, और प्रतिशत निकालनी है परसेंटेज, तो 20 है मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और टोटल आ जाएगा आपके पास ये 160%। तो ये ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, जैसे मैंने बता दिया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5% का 3% कितना है, तो आपने यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके वैल्यू इसकी निकाल लेनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम नंबर सिस्टम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए